नाउ इसको फूल देना, एक फोटो। हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, वो है मिरर, प्लेसमेंट ऑफ मिरर, ठीक है, विच आई वॉज टेलिंग टू यू। देखिए आप लोग इंटीरियर्स के स्टूडेंट्स हैं, इंटीरियर्स में क्या होता है, वी यूज टू प्ले अ लॉट विद द मिरर्स, है ना, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटीरियर्स होता है मिरर का, लेकिन हमें ये नहीं पता मिरर का जो यूज है वो कितनी सावधानी से करना चाहिए। मिरर आपकी लाइफ को बना भी सकता है और मिरर आपकी लाइफ को तबाह भी कर सकता है। मिरर में इतनी ताकत होती है कि यू भी ले जा सकता है और यू भी ले जा सकता है, और इट कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ थिंग इन द लाइफ, एनी काइंड ऑफ थिंग मिरर। इसलिए मिरर्स का यूज बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए, जगह जगह बिल्कुल मिरर्स नहीं लगाने चाहिए। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, मिरर से खेलने की कोशिश मत करना बिल्कुल, जगह जगह मिरर्स नहीं लगाने चाहिए। आइडियल डायरेक्शन फॉर कीपिंग मिरर्स, ओनली टू डायरेक्शन आर एलिजिबल फॉर कीपिंग मिरर्स, उसके अलावा कहीं भी मिरर लगेगा तो वो नुकसान ही देने वाला है। दो डायरेक्शन कौन सी होती है मिरर्स की, एक तो ईस्ट एंड अदर इज नॉर्थ। मिरर अगर आपको लगाने हैं तो आप ईस्ट या नॉर्थ में ही लगाइए, आपको चाहिए तो आप अच्छा रहता है आप अपने जगह की डायरेक्शन ईस्ट या नॉर्थ पे लगाइए, या फिर उस रूम की ईस्ट या नॉर्थ पे लगाइए, जो भी आपका रूम रहता है उसकी ईस्ट या नॉर्थ पे लगाइए। लेकिन इसके अलावा आप मिरर कहीं भी लगाते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए जैसे अगर आपका मिरर कभी साउथ ईस्ट में किसी का मिरर लगा हुआ होगा, हो गया, आप अपना देखना, किसी का भी हो सकता है गलत लगा हुआ हो, तो ये क्या होता है कि ऐसी जगह पे एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, ऐसी जगह पे एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। अभी जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, हालांकि वो है एक राज, प्रोफेशनल राज ही होता है, बट आई एम टेलिंग टू यू, कई बार ऐसा होता है ना, आप लोग किसी के पास जाते हो, आप उसे अपनी प्रॉब्लम बताते हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो आदमी आपसे कहता है तुम्हारे घर में इस डायरेक्शन में क्या रखा है, ये तो नहीं है, आप कहते इन्हें कैसे पता, तो हमारे घर कभी गए ही नहीं, इन्हें क्या मालूम हमारे घर के बारे में, एक्चुअली क्या होता है वो ये सब। अब मान लो मेरे से अगर कोई पूछे आगे मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, तो मैं तो छुट्टी दो तीन पॉइंट पूछ लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से कोई ना कोई चीज़ क्या होनी है, तो वो सोचेगा अरे इन्हें कैसे पता, वो कहेगा ये तो बड़े जादूगर है, इन्होंने तो हम जो उनके पास गए थे उन्होंने तो बस पूछते बता दिया तुम्हारे ये है, उन्हें तो सब पता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से भगवान ने आगे हमको वो कर दिया, ये क्या है स्टडीज की बात है, स्टडीज और एक्सपीरियंस की बात है, ऐसा कोई जादू का वो नहीं आता है हमारे पास कि हमसे कोई जादू आ गया, स्टडीज और एक्सपीरियंस होते हैं। बेसिकली क्या है, साउथ ईस्ट में जब भी मिरर लगा हुआ होगा एक तो एक्सीडेंट के इशू आएंगे, दूसरा क्या है साउथ ईस्ट का मिरर जो होता है वो फाइनेंशियल लॉस से लेकर पैसे की प्रॉब्लम और दिक्कतें लाता है। देखो प्रॉब्लम की कोई डेफिनेशन नहीं होती, पहले तो आप ये समझ लेना, परेशानी की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, इसी तरह से हैप्पीनेस की भी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। आप कहोगे खुशी क्या है, खुशी के पैमाने खुशी सबके लिए अलग अलग हो सकती है, प्रॉब्लम भी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। तो बेसिकली क्या है, अगर यही मिरर आपका साउथ में लग गया, साउथ ईस्ट जगह अगर मिरर साउथ में लगा दिया आपने, साउथ में लगे हुए मिरर से आपकी बदनामी होनी शुरू हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा जैसे जिन लोगों के ऊपर अनवांटेड एलिगेशंस आ जाती हैं, ठीक है, ये बिना बात की बदनामी होती है, ऑफिस में होती है, कहीं होती है, तो उनकी साउथ में मिरर होता है। साउथ में मिरर होगा तो एक ही होगा, दूसरा क्या है कि सुकून खत्म होता है, सब कुछ होगा लेकिन सुकून नहीं होता। आदमी कहता है मैं पता नहीं क्या है, मेरा दिमाग हमेशा परेशान रहता है, मैं हमेशा टेंस रहता हूँ। तो अगर दे आर हैविंग मिरर इन द साउथ, साउथ वेस्ट में अगर मिरर है किसी के, साउथ वेस्ट में अगर किसी ने मिरर लगा लिया, तो साउथ वेस्ट में लगा हुआ मिरर जो होता है एक तो आदमी के बिजनेस को डाउन करना शुरू कर देता है, ठीक है, जो भी उसका काम है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। जॉब है तो जॉब में पता लगा डाउनफॉल हो गया, बिजनेस में डाउनफॉल हो गया, फाइनेंस की बुरी तरीके से लॉसेज होने शुरू हो गए, ठीक है। अगर वेस्ट में मिरर लगा, ठीक है, वेस्ट में मिरर लगा तो सेविंग्स को इफेक्ट करना शुरू कर देता है, बच्चों की पढ़ाई और सेविंग्स डिस्टर्ब हो जाती है। नॉर्थ वेस्ट में अगर मिरर लगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में अगर मिरर लगा तो पता लगा कि आपके साथ ऐसे लोग बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, दो थिंग जो आपके वेल विशर नहीं होते, है ना,